जो ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, सनबर्न, टैनिंग थी, बरसात का मौसम स्टार्ट हुआ तो स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो गई हुई है कि सोप भी फेस पे लगाएं वो भी इरिटेट कर रहा होता है, और बार बार स्किन के ऊपर ऑयल आना, एक्नी आना, स्किन के रैशेज और इस तरह के इश्यूज हो रहे होते हैं। तो उस वजह से जो है वो बच्चियां और खवातीन जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इरिटेट भी हो रही होती हैं, और उन्हें समझ भी नहीं लग रही होती कि हम फेस के ऊपर क्या करें। तो उसमें यह है कि हमारे इर्द गिर्द ही जो है वो सारी चीजें होती हैं, कोशिश करें कि ब्लीच और इस तरह की चीजों की तरफ, और स्क्रब्स, क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली जो स्किन के प्रॉब्लम और जो इश्यूज होते हैं ना, ये बच्चियां जो हैं वो उसने कहा जो उसको सूट कर रहा हुआ उसने उठाया यूज कर लिया। इस मौसम में स्क्रब को जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें, ब्लीचिंग एजेंट्स जो है। असल में हमारी स्किन खराब होती है ना, तो हम सोचते हैं कि भी स्क्रब करेंगे तो वो सारा जो प्रॉब्लम है वो उतर जाएगी, उल्टा हम स्किन छील देते हैं। फिर ब्लीचें जब हम लगाते हैं और स्ट्रॉन्ग ब्लीच लगाते हैं, स्किन जल जाती है क्योंकि ऑलरेडी स्किन डैमेज्ड होती है। अच्छा, आप क्या बनाएंगे हम? हाँ जी, लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है कि कहीं फंक्शन पे जाना है, ऑफिस जाना है उन्होंने, या जॉब पे जाना है, या कॉलेज वगैरह जाना है, तो दिल करता है कि स्किन नीट क्लीन हो, हल्का सा ब्लश लगाएं, हल्की सी लिपस्टिक लगाएं और चेहरा जो है वो रिफ्रेश हो जाए। उसके लिए जो है वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत इसके अच्छे जो है वो रिजल्ट्स हैं। सेंसिटिव स्किन हो, चाहे चाहे टैनिंग हो रही है, चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किन के ऊपर ऑयल आ रहा है, आप क्या करें कि इस तरह से जो है खीरा लेके इसको कश करके इसका जूस निकाल लें, और उसके बाद एलोवेरा जेल, अगर तकरीबन 3 टेबल स्पून आपने एलोवेरा उसका खीरे का जूस लिया है तो उसमें एक बड़ा वाला खाने का चम्मच भर के आप एलोवेरा जेल ले लें, उसको आप अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें, और उसमें तकरीबन आप हाफ जो है वो लेमन जूस डाल लें। ये जस्ट 3 चीजों के साथ ये इतना जबरदस्त इस तरह से आपका ये जेल बन जाएगा। ये ब्लेंड करना है, ये अच्छी तरह से आप किसी भी ब्लेंडर में जो है वो इसको ब्लेंड कर लें, और इसको आप 8 दिन के लिए फ्रिज में जो है वो सेव करके रख सकते हैं। इसका जो तरीकाकार है लगाने का, फेस को वॉश करने के बाद आप पूरे फेस के ऊपर इसको लगा लें, नेक पे लगाएं, अपने हाथों पे लगाएं, 10 मिनट लगा रहे, ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, जज्ब हो जाएगा, ये फील भी नहीं होगा, और देन आप सादे पानी के साथ इसको वॉश कर लें। ये आपकी स्किन को कूल डाउन करेगा, क्योंकि आपको पता है कि एलोवेरा के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। अक्सर जब लोग सनबर्न होता है बाहर में, वेस्ट में भी, तो एलोवेरा जेल ही लगाते हैं फेस एंड नेक पे, ताकि स्किन को हील करता है, और उसके बाद कुकम्बर, आपको पता है कूलिंग इसकी क्वालिटीज है, ये स्किन को कूल डाउन करेगा, और लेमन जो है ये नेचुरल जो है वो स्किन को ब्लीच करेगा। सपोज अगर सनबर्न हुआ है, टैनिंग हुई है, पिगमेंटेशन है, तो स्किन को इवन जो है वो करेगा।